दोस्तों, मैं हूँ स्पर्शिता श्रीवास्तव और आज के इस अंश में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था और माँ का नाम प्रभावती था। नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेविशॉव कॉलेजिएट स्कूल से की और उसके बाद उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई और बाद में इंडियन सिविल सर्विसेज यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए बोस जी के माता पिता ने इन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों के लिए सिविल सेवा सर्विसेज में जाना बहुत ज्यादा कठिन था, लेकिन उन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। 1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का समाचार पाकर बोस ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और जल्दी ही भारत लौट आए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसक विचारों से सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार अलग अलग जरूर थे, लेकिन वे अच्छी तरह से ये जानते थे कि उनका मकसद एक है, यानी देश की आजादी। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बुलाया जाता है। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रख्यात नेता थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आजादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में नजरबंद कर लिया, लेकिन वो वहां अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से भाग निकले और अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुंचे। सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया था। वो 1933 से 36 तक यूरोप में ही रहे थे। यूरोप में ये दौर था हिटलर और मुसोलिनी का। उनका मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कूटनीति और सैन्य सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। नेताजी हिटलर से मिले। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और देश की आजादी के लिए कई काम किए। उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दिया, वहां से जापान पहुंचे। जापान से वो सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ले ली। उस वक्त राज बिहारी बोस आजाद हिंद फौज के नेता थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया, जिसकी लक्ष्मी सहगल कैप्टन बनी। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह के रूप में झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" दिया। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जापान जाते समय ताड़वान के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हुआ। सुभाष चंद्र बोस देश के एक ऐसे महानायकों में से एक हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनके संघर्षों और देश सेवा के जज्बे के कारण ही महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस की पहली मुलाकात गांधी जी से 20 जुलाई 1921 को हुई थी। गांधी जी की सलाह पर वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम करने लगे। वे जब कलकत्ता महापालिका के प्रमुख अधिकारी बने तो उन्होंने कलकत्ता के रास्तों का अंग्रेजी नाम हटाकर भारतीय नाम कर दिया था। भारत की आजादी के साथ साथ उनका जुड़ाव सामाजिक कार्यों में भी बना रहा। बंगाल की भयंकर बाढ़ में घिरे लोगों को उन्होंने भोजन, वस्त्र और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का साहसपूर्ण काम किया था। समाज सेवा का काम नियमित रूप से चलता रहे, इसके लिए उन्होंने युवक दल की स्थापना भी की थी। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष चंद्र कुल 11 बार कारावास गए थे।
दोस्तों 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी किया। 1939 के प्रारंभ में ही ये स्पष्ट हो गया था कि हिटलर के यूरोप विजय के स्वप्न के कारण विश्व महायुद्ध की संभावना बढ़ती जा रही है। भारत में महात्मा गांधी और अनेक कार्य समिति के सदस्यों के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस दोबारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। त्रिपुरा अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ घोषित किया कि यूरोप में शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो जाएगा और इस अवसर पर अंग्रेजों को 6 माह का अल्टीमेटम दे देना चाहिए, लेकिन उनके इस प्रस्ताव का वर्किंग कमेटी के पूर्वकालिक सदस्यों ने विरोध किया। सुभाष चंद्र ने अनुभव किया कि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पर नहीं रह पाएंगे और उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना की घोषणा की गई। सुभाष चंद्र बोस ने बताया कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना एक ऐतिहासिक आवश्यकता और विरोधी शक्तियों के संगठन और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति के लिए है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संकट में ग्रस्त हो जाने से पूर्व आंतरिक संकट समाप्त हो जाना चाहिए। फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन मुंबई में हुआ, जहां पूर्ण स्वतंत्रता और उसके बाद समाज के भले के लिए राज्य की स्थापना का उद्देश्य स्वीकार किया गया। ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों में संघर्ष छेड़ने के लिए देशव्यापी स्तर पर तैयारियां करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ, जिससे कि विश्व की परिस्थितियों और संकट का लाभ उठाकर अंग्रेजों से सत्ता छीन ली जाए। सितंबर 1939 में हिटलर के पोलैंड पर आक्रमण और फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा से सारे यूरोप में युद्ध की ज्वाला भड़क उठी। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने एक अध्यादेश जारी करके भारत को युद्धरत देश घोषित कर दिया और देश को उसके नेताओं और केंद्रीय प्रांतीय विधायकों से औपचारिक परामर्श के बिना ही युद्ध में झोंक दिया। इसी वजह से अक्टूबर 1939 में सभी भारतीय मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। मार्च 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक ने रामगढ़ में समझौता विरोधी सम्मेलन किया। उसमें तय किया गया कि 6 अप्रैल को राष्ट्रीय सप्ताह के प्रथम दिन युद्ध प्रयासों और अंग्रेजों के कुटिल रूप के विरुद्ध देशव्यापी सत्याग्रह छेड़ा जाना चाहिए। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक ने जनता से युद्ध में असहयोग करने और अंग्रेजी राज्य को कायम रखने के लिए भारतीय साधनों के शोषण के विरोध की अपील करते हुए सत्याग्रह छेड़ दिया। सैकड़ों व्यक्ति जेल में डाले गए और जनता को प्रचंड दमन का शिकार होना पड़ा। दल ने नागपुर अधिवेशन यानी कि 1940 में दोबारा रामगढ़ प्रतिज्ञा पर बल दिया और संघर्ष की तीव्रता के संदर्भ में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट की। नागपुर में ही निश्चित हो गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक भविष्य में मात्र एक मंच न रहकर एक दल के रूप में कार्य करेगा। ब्लॉक ने दल के रूप में कार्य करने के लिए तय किया कि वो बहुसंख्यक सदस्यता के सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही कार्य करेगा। ब्लॉक का उद्देश्य शीघ्र अतिशीघ्र भारतीय जनता के सहयोग से राजनीतिक सत्ता पर अधिकार और समाज के हित के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया जाएगा। नागपुर अधिवेशन के तुरंत बाद सुभाष चंद्र बोस जुलाई में गिरफ्तार कर लिए गए। दिसंबर में उनके आमरण अनशन के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। उसी समय गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक के आह्वान पर जनता की अनुक्रिया देखकर अपने विचारों में परिवर्तन किया और अक्टूबर 1940 में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा बुलंद किया। दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में और साथ ही अगस्त प्रस्ताव के बारे में हम बात करेंगे अगली बार। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी स्पर्शता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।